Hi dear student, myself Khan sir. Today we will try to understand spectrochemical series. ठीक है, spectrochemical series मतलब जो ligands है उनको उनके splitting power के according increasing order में जो arrangement है उसी को कहा जाता है spectrochemical series. ठीक है, उसी को हम एक बहुत अच्छी tricks के through समझने की कोशिश करेंगे और I hope आपको सबको ये आ जाएंगी. ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमने एक सेंटेंस बनाया है. ओके, जस्ट इस सेंटेंस को आप याद रखिए, वो जो पूरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो आपको इजीली याद हो जाएगी. तो पहले मैं सेंटेंस यहां पर पढ़ना चाहूंगा जो हमने खुद यहां पर प्रिपेयर किया है. इधर बिरयानी का सुकून, कल से फिर होगा टोमेटो का पानी, नाचो अडानी नई एंड होगी साइनाइड की कहानी. ठीक है, इस तरह से ये सेंटेंस है. इस सेंटेंस के हेल्प से हमारी जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ठीक है, उसको हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे और इस सेंटेंस के हेल्प से हम उसको याद करने की कोशिश करेंगे. ठीक बात, ठीक है. एक बार फिर से मैं आपको सेंटेंस जो है वो समझाना चाहूंगा. दैट इज, इधर बिरयानी का सुकून, कल से फिर होगा टोमेटो का पानी, नाचो अडानी नहीं एंड होगी साइनाइड की कहानी. ठीक है, इसके हेल्प से जो हमारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसको मैं डिराइव करके आपको यहां पर बताऊंगा. ठीक है, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है हमारी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार का अरेंजमेंट ऑफ क्या है, लिगेंड. लिगेंड का क्या है, ये एक प्रकार का अरेंजमेंट है. तो उसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस सेंटेंस के हेल्प से डिराइव करेंगे. ठीक है, इधर से हो गया हमारा आयोडीन इज लेस देन, बिरयानी से हो गया हमारा बीआर इज लेस देन, जो यहां पर स्टार करे हैं मैंने, जो के का जो स्टार मैंने यहां पर किए उसका कोई इसमें मीनिंग नहीं है. ठीक है, इधर से हो गया आयोडीन, बिरयानी से हो गया बीआर, सुकून से हो गया एस सी एन, ठीक है, लेस देन, कल से हो गया हमारा क्लोरीन और से हो गया हमारा एस टू, लेस देन, ठीक है, फिर से हो गया फ्लोरीन, ठीक है, होगा से हो गया हमारा ओएच, ठीक है, टोमेटो, टोमेटो हमने यहां पर इसलिए लिया कि आपको पता होगा टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है और ये जो ऑक्सैलेट आयन है इसके बाद का उसी के लिए हमने यहां पर टोमेटो को लिया है. तो टोमेटो से हो जाएगा हमारा सी टू ओ फोर निगेटिव, लेस देन पानी से, पानी मतलब H2O, ठीक है, उसके बाद लेस देन नाचो से NCN, ठीक है, NCS, ठीक है, उसके बाद हमारा अडानी से EDTA हो गया, ठीक है, लेस देन नई से अमोनिया, ठीक है, और उसके बाद N से इथिलीन डायमाइन मतलब EN, लेस देन होगा से, होगा जो स्टार में उसका कोई मीनिंग नहीं, उसके बाद लेस देन सीएन मतलब साइनाइड और की कहानी से हो गया हमारा कोबाल्ट, ठीक है, सॉरी कोबाल्ट नहीं, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं काफी अच्छी तरह से हमने इस सेंटेंस की हेल्प से क्या किया है, हमारी जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसको डिराइव करने की कोशिश की. एक बार मैं फिर से बताऊंगा आपको कि सीरीज क्या है और इसका मीनिंग क्या है. सेंटेंस को याद रखना है आपको, सेंटेंस कुछ इस तरह से, दैट इज, इधर बिरयानी का सुकून, कल से फिर होगा टोमेटो का पानी, नाचो अडानी नहीं एंड होगी साइनाइड की कहानी. ठीक है, तो इस तरह से हमने इस सेंटेंस के हेल्प से किससे क्या डिराइव किया मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा. ठीक है, जैसे कि इधर से आयोडीन, बिरयानी से बीआर, सुकून से एससीएन, कल से क्लोरीन, से एस2, फिर से फ्लोरीन, होगा से ओएच, टोमेटो से C2O4 और पानी से पानी, फिर बाद में नाचो से NCS, अडानी से EDTA, नई से अमोनिया, एंड से इथिलीन डायमाइन और उसके बाद साइनाइड से साइनाइड और कहानी से हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. ठीक है, देखते रहिए और इस जो मैंने लिखा है उसको अच्छे से आप लिख लिए यहां पर. ठीक है,